हेलो टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो वेलकम टू माय चैनल ओरिजिन ऑफ फिजिक्स। अब तो बात कर रहा था मैं यहाँ पे सेमेस्टर टू जो एक्स कैंडिडेट वाले बच्चे थे उनको थोड़ा सा लग रहा था किस तरह एग्जाम आने वाला है तो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ लेके आया हूँ कि एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना और क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। तो सेमेस्टर टू का इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं अंडरलाइन करूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। बार बार वही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और प्रोबेबिलिटी उनका ज़्यादा होता है पूछने का, क्योंकि उस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा सा दम होता है, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर भी आप निकाल के देखोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इंपॉर्टेंट क्या है सर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 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 एक मिनट मैं आ रहा हूँ वापस मेरा। हाँ देखिए देखिए दिख रहा है आप लोग को, चलिए आइए डिस्कस करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अंडरलाइन करता हूँ मैं रेड से। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहला टॉपिक है, ठीक है। पहला टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या है सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। यहाँ देखिए ये वाला टर्म कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, ये डेफिनेशन कभी पूछता है, ठीक है। उसके बाद लैपलेस एंड पॉइजन इक्वेशंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये गॉस लॉ इन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर यूनिकनेस थ्योरम, ये भी ज़्यादातर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है, यूनिकनेस थ्योरम। और फिर ये क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आते हैं इस टॉपिक से, यही इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिएगा, अब फिर से देख लीजिए, अब आपका जो सिलेबस है मैंने उसी में अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप भी उसी में अंडरलाइन कीजिए तो आपको भी इजी होगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यूनिकनेस थ्योरम और लैपलेस एंड पॉइजन इक्वेशंस, ये थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा, लैपलेस एंड पॉइजन इक्वेशंस, ठीक है, एंड इट्स सॉल्यूशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, बस इससे यही इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ एकदम 100% आना है, लेकिन 90% केस प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो, और क्वेश्चन मैं इससे पहले वाले में भी जो बताया उसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, तो उस बेसिस पे मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर, ध्यान समझिएगा, आगे में आता है डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे, डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये वाला रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड रिलेशन, ये रिलेशन, ये EPND का, ठीक है, गॉस लॉ इन डायलेक्ट्रिक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थोड़ा सा कैपेसिटर पढ़ लीजिएगा, चार्ज को स्टोर करता है, स्टोर करने की उसमें टेंडेंसी होती है, ठीक है, इस, ठीक है, उस फेनोमेना को कैपेसिटेंस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कैपेसिटर याद रखिएगा, ओके। अब आता है यहाँ पे, यहाँ देखिए चूंकि अब ट्रांजिस्ट है, ये ट्रांजिस्ट है, तो ट्रांजिस्ट से आप खास देख रहे हो कि यहाँ पे एक ही टॉपिक ही है, तो आपको LCR सर्किट कर लेना है, इंडक्टर कैपेसिटर एंड रजिस्टर, ओके, इंडक्टर कैपेसिटर एंड रजिस्टर, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, हाँ यहाँ पे आपको क्वेश्चन जरूर आता है, इससे क्वेश्चन आता है खास करके ये वाला BHM रिलेशन बिटवीन BHM, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक और BH कर्व एंड हिस्टेरेसिस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये बहुत ज़्यादा, और डेफिनेशन पूछ दे तो बहुत अच्छा बात है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का, ठीक है। तो ये सब ईजी है, ये आपको टेलीग्राम पे भी आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा मेरा, ठीक है, इसका आपका सॉल्यूशन, इसका सारा का सारा सॉल्यूशन दिया हुआ, ओके। तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसमें तो आप सब कर लोगे तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप इससे, और ये बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ में भी अगर आप पढ़े होंगे मैग्नेटिज्म मैटर में तो सबसे छोटा टॉपिक ही था, उतना हार्ड टॉपिक था नहीं है। तो रिलेशन बिटवीन BHM कर लीजिएगा, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक और ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आप देख रहे हैं नीचे में किरचॉफ्स लॉ दिया हुआ है, ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ से यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आता है किरचॉफ्स लॉ फॉर AC सर्किट, ये देख लीजिएगा LCR सर्किट का, ठीक है, रेजोनेंस पावर डिस्पेटेशन एंड क्वालिटी फैक्टर, ओके, ये देख लीजिएगा, बैंडविड्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पैरेलल LCR सर्किट है, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंडरसन ब्रिज
ये इससे अगर आप इसको नहीं भी करते हो, यहाँ पे और करके पूछा जा सकता है, सुनिएगा ध्यान से, अगर आप इसको नहीं भी करते हो तो और करके पूछा जा सकता है सर, बता दिया मैंने आपको, और करके क्या पूछा जा सकता है, ये वाला एंडरसन ब्रिज, ठीक है, एंडरसन ब्रिज और ओवेंस ब्रिज देख लीजिएगा, एंडरसन ब्रिज और ओवेंस ब्रिज, बस इतना ही देखना है, एंडरसन ब्रिज देख लीजिएगा, ठीक है, एंडरसन ब्रिज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे। अब देखिए इससे और सबसे ज़्यादा खास क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इससे, सुनिएगा ध्यान से, सबसे खास क्वेश्चन इससे, सबसे ज़्यादा खास क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाता है वो ध्यान समझिएगा, ठीक है। सबसे खास क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है, यहाँ जो आप देख रहे हो ये थिवाइन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये तीनों आपको एकदम है ना रट्टा मार लेके कर लेना है, ये यही आपको है ना स्कोर करवा देगा और आपको पास तक लेके जाएगा अगर आप ये तीनों कर लेते हैं तो, मस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, थिवाइन्स थ्योरम, ओ हो, सॉरी सॉरी सॉरी, सामान गिर गया मेरा, एक मिनट, ठीक है, चलिए। तो थिवाइन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नो डाउट ये तो आपके इंपॉर्टेंट है ही, ये वाला ये आएगा, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर आएगा ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग से लेकर सब चीज़ आएगा, ठीक है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एकदम अच्छे से करना, मानो या ना मानो, ठीक है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर मस्ट इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, तो ये बात है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये हटाइए, रेफरेंस बुक दिया हुआ है ये, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आई होप कोई दिक्कत वाली बात होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, ये आपको कुछ काम का नहीं है, मैं आ रहा हूँ वापस, ओके, तो इतना आपको कर लेना अच्छे से, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ये था पहला पहला पेपर वाला, ठीक है, सेकंड थर्ड पेपर, अब आते हैं फोर्थ पेपर में हम लोग, ओके, आइए आइए, देखिए इंटरफेरेंस, माइकलसन इंटरफेरेंस, हाँ देखिए पहला आता है इधर से, तो इधर से इंपॉर्टेंट क्या है सर, वैसा कुछ खास नहीं है, इधर से जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पार्टिकल वेव वेलोसिटी, ये कर लेना है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये कर लेना है पार्टिकल वेव वेलोसिटी, ठीक है, ये ठीक है, और फिर ऑक्सीलेशन एंड वेव से रेजोनेंस कर लीजिएगा, पावर डिस्पर्टेशन क्वालिटी फैक्टर, ये वाला, ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स फिक्स्ड एट थ्री एंड्स प्लग्ड स्ट्रिंग एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नॉर्मल मोड्स क्लोज पाइप्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अगर आप उतना वैल्यू नहीं देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर समय मिले तो तब कीजिएगा इसे, इसको, ठीक है, जब समय मिले तब कीजिएगा इसको, बाकी और आगे है, और आगे है, और आगे क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ वेव्स में यहाँ देखिए वेलोसिटी वाइब्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए लैपलेस करेक्शन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, लैपलेस करेक्शन, ये लैपलेस करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो लैपलेस करेक्शन भी कर लीजिएगा, जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है, अब क्या हो गया, हाँ लैपलेस करेक्शन हो गया ऊपर में, चलिए आ गई, बस इससे इसे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट क्या है देखिएगा ध्यान से, इससे जो इंपॉर्टेंट है खास करके वो है आपका वेलोसिटी ऑफ वेव, तो ऊपर में बता दिया मैंने, इंटरफेरेंस से क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका ज़्यादातर पूछा जाता है सर न्यूटन रिंग्स इज मस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, न्यूटन, ये वाला न्यूटन्स रिंग मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ओके, तो ये न्यूटन्स रिंग्स और मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, कोई दिक्कत वाली बात आई होप नहीं होगी, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब आता है इंटरफेरोमीटर माइकलसन, ये आपको पूरा कर लेना है, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, ये आपको एकदम हाई मार्क्स में आता है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर इस बार आएगा, पिछला बार आया नहीं था लेकिन इस बार आएगा, मैं बता दिया, पिछला बार नहीं आया था, मैंने बहुत उम्मीद लगा के बताया था कि वो आएगा लेकिन नहीं आया था, तो आई होप इस बार वो क्वेश्चंस आएगा, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहना, ठीक है, तो और
साथ ही यहाँ पे लगा हुआ फैब्रिक पीरियड इंटरफेरोमीटर, तो ये आ गया था, तो ये उतना इंपॉर्टेंस मैं इससे नहीं दे रहा इस बार, लेकिन ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फ्राउनहोफर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर एपर्चर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ क्या, यह हो गया ना, आगे बढ़ें। चलिए, रिजॉल्विंग पावर ऑफ क्या, हाँ रिजॉल्विंग पावर यहाँ पे आ गया। तो रिजॉल्विंग पावर क्या सर, क्या टेलीस्कोप, ठीक है ये कर लीजिएगा, ठीक है समय मिले तो। और फिर आता है फ्रेंसनल डिफ्रैक्शन, ठीक है डिफ्रैक्शन, ठीक है डिफ्रैक्शन से ये हाफ पीरियड जोन प्लेट कर लीजिएगा, ठीक है यानी जोन प्लेट कर लीजिएगा, जोन प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जोन प्लेट इज मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जोन प्लेट इज मस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोग अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है मैं थोड़ा तबीयत खराब चल रहा था लेकिन अब आ गया हूँ बैक टू द पवेलियन, ठीक है तो अब चलेगा अच्छा से, ठीक है तो आई होप आप इतना अच्छे से कर लीजिएगा और बाकी एग्जाम दीजिए अच्छे से, मन से दीजिए। बहुत सारे बच्चे अब निकल गए हैं सिक्स सेमेस्टर वाले, ठीक है अब तो आगे बढ़ेंगे ही, बस जो बच्चे बच गए थे एक्स कैंडिडेट वाले वो भी अच्छे से एग्ज़ाम देके और आप अपना अच्छा करके और अच्छे से जल्दी से निकलिए और आगे फिर फोकस कीजिए। जब तक साथ रहेगा कोशिश करूँगा, मैं साथ देते रहूँगा, जब तक कोशिश रहा तब तक मैं साथ देते रहूँगा जितना हो सकेगा मेरे से। तो चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत बाय।